नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को स्टार्टिंग में मैं छोटे छोटे टॉपिक करवाऊंगा जिन पे बेस्ट न्यूमेरिकल बोर्ड क्लासेस में, और जो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल बेसिकली प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आपका पूरा कोर्स डाल दिया जाएगा। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही आपको पूरा कोर्स के हिसाब से भी आपको वीडियोस डाल दी जाएगी। अब देखो, जो आज मैं एक और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बच्चे इसमें बात बात में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज क्यों होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है जी हेनरीज ला। हेनरीज ला क्या होता है, ठीक है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज कहाँ होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बच्चे बता रहे थे सर कि इसके न्यूमेरिकल हमसे समअप नहीं हो रहे, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या इसकी जो रिलेशन है वो मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आया है। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि समझ में ना आने वाला हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ हेनरीज ला है क्या। सबसे पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो गैस की जो सोल्युबिलिटी है और जो प्रेशर है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था वो किसने किया था, हेनरी ने किया था। किस नाम से फेमस हुई ये चीज, हेनरीज ला के नाम से फेमस हुई। रिलेशन क्या था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई लिक्विड लेते हैं और उसमें जो गैस डिजोल्व करते हैं, ये मैंने इतना सा लिक्विड ले लिया इसमें, और ये जो गोल गोल पार्टिकल, वैसे इतने बड़े पार्टिकल होते नहीं है, मैंने आपको विजुअलाइज करवाने के लिए वैसे बता दिया, ये गोल गोल जो पार्टिकल है वो किसके, गैस के, और इसके ऊपर मैंने क्या फिट कर रखा है, एक पिस्टन फिट कर रखा है। ये एक पिस्टन है अपना जो मैंने यहाँ पे एक फिट कर दिया, इसके ऊपर गैस के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर मैंने ये पिस्टन फिट कर दिया। अब हेनरी था, उसने क्या कहा था, हेनरी ने कहा था कि जो मास ऑफ द गैस होगा, क्या होगा जी, मास ऑफ गैस, ठीक है, डिजोल्व इन लिक्विड, किसमें, एक लिक्विड में जब हम डिजोल्व करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। दोबारा से देखिए, मास ऑफ द गैस डिजोल्व, जितना गैस का मास डिजोल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर पे, ठीक है। ये जो बात उसने कही थी वो कौन सी कंडीशन पे कही थी, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कहाँ पे कही थी ये बात, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये बात उसने कही थी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस रिलेशन को मैथमेटिकली लिखेंगे। मास ऑफ द गैस को अगर मैं m से नोट करता हूं और प्रेशर को मैं p से नोट करता हूं, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k into p। k यहां पे क्या है, k आपका एक कांस्टेंट है जिसको मैं क्या कहता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहता हूं जी मैं इसको। क्या ये आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। सेकेंडली, ये जो हम टर्म कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के कर रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन पे हो रहा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर की भी कंडीशन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। दोबारा से देखिए कि जो मास ऑफ द गैस डिजोल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये बात हमें किसने बताई थी, हेनरी ने बताई थी। लेकिन जब हेनरी ने हमें ये बात क्लियरिफाई की थी, उसी टाइम एक और साइंटिस्ट था डाल्टन। कौन था जी, डाल्टन। सेम टाइम में था वो, सिमिलर टाइम पीरियड था उसका, जिस टाइम आपका हेनरीज ला डिस्कवर हुआ था उसी टाइम पीरियड में, ठीक है, डाल्टन जो था, डाल्टन भी डिस्कवरी कर रहा था किस चीज के ऊपर, जो गैस लिक्विड के अंदर जा रही है, किसके अंदर जा रही है जी, लिक्विड के अंदर जो गैस आपकी जा रही है, वहां पे जो गैस और लिक्विड का मिक्सचर बन रहा है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर बन रहा है, तो जो गैस यहाँ पे डिजोल्व हो रही है, जो गैस यहाँ पे डिजोल्व हो रही है, उसको उसने मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिया था। किसमें लिया था, मोल फ्रैक्शन की टर्म में। मतलब जो आपका गैस यहाँ पे डिजोल्व हो रही है, वो आपने जो गैस की सोल्युबिलिटी है उसको किसकी टर्म में ले लिया, मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लिया, कि गैस डिजोल्व जो होगी किसी भी लिक्विड में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, नॉट प्रेशर। ध्यान रखना, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर अलग अलग टर्म होती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, पार्शियल प्रेशर के। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कॉन्स्टेंट आ गया, के डेस इंटू पी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जो बात थी ये किसने बताई हमें, डाल्टन ने। ये कंडीशन कहां पे थी, जब आपकी सारी चीजें कहां पे थी जी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे थी ये सारी बातें,
इतनी बात बता के हेनरी बिल्कुल चुप हो गया, सॉरी डाल्टन आपका बिल्कुल चुप हो गया। उसने सिर्फ ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। इतनी बात बता के आपका डाल्टन चुप हो गया। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में आप एक रिलेशन बनाया। वो क्या था कि लोगों ने कहा कि अगर हम प्रेशर निकालते हैं तो प्रेशर क्या आ जाएगा, 1/kdS × x। ये जो 1/kdS था ना, इस कांस्टेंट को जब लोगों ने सोल्व करके देखा तो ये किसके बराबर था, एनरीज कांस्टेंट के बराबर था। मींस 1/kdS जो हम कहां से डिराइव करते हैं, डाल्टन की डेफिनेशन से, वो किसके बराबर था, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर था। अब बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर हेनरीज लॉ में क्या लिखे, हेनरीज लॉ इतनी ही बात थी, ये जो मोल फ्रैक्शन की टर्म में और पार्शियल प्रेशर की टर्म में जो सॉल्युबिलिटी बताई थी डाल्टन ने, ये एक अलग कंसेप्ट था, दोनों को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ के साथ साथ जो डाल्टन ने आपको बात बताई थी, दोनों मैंने आपको क्लियरिफाई कर दी है। अब एक मिनट, अब मैं आपको बताऊंगा कि हेनरीज लॉ अप्लाई होने की कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन पे आपका हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई। मींस प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, आमतौर पे जो गैस होती है वो कैसे बिहेव करती है, आइडियली बिहेव करती है। मींस ये ला लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अप्लीकेबल था, जिसपे गैस कैसा बिहेव करती है, आइडियली। मींस जो आपका हेनरीज ला था वो आइडियल गैसेस के लिए था, रियल गैसेस के लिए नहीं था। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर कोई गैस लिक्विड के साथ जाती है, ठीक है, या लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती है और उसको हम प्रेशर के साथ कोरिलेट करते हैं, तो उस गैस और लिक्विड के बीच में ना तो एसोसिएशन होना चाहिए, मीन्स ना तो कोई बॉन्ड बनना चाहिए गैस और लिक्विड का, और ना डिसोसिएशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि वहां पे ना ही तो आपकी गैस जुड़नी चाहिए और ना ही वहां पे आपका कुछ है टूटना चाहिए। मीन्स डिसोसिएशन और एसोसिएशन आपका वहां पे क्या होना चाहिए, अवॉइडेड होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो आपका हेनरीज लॉ अप्लीकेबल है, अदरवाइज आपका हेनरीज लॉ अप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गई आपकी क्या अप्लीकेशंस, सॉरी कंडीशंस, की कौन सी कंडीशंस के ऊपर आपका हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। सेकेंड मैं बताता हूं कि जब हमने हेनरीज लॉ बनाया तो इससे हमें फायदे क्या हुए, अप्लीकेशंस क्या मिले, हमें बेनिफिट क्या मिले हेनरीज लॉ के। हेनरीज लॉ का जो पहला बेनिफिट मिला हमें वो ये मिला कि हम क्या कर सकते हैं, जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती है, जो आप लोग कोक पेप्सी ये जो सारी चीजें पीते हो, ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या डली हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डली होती है, इसलिए इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। तो पेप्सी और कोक जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहे हैं, ठीक है, उनको मिलाने के लिए हमें किस टेम्परेचर की जरूरत है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रेशर की जरूरत है ये हम जान सकते हैं। थर्ड, कितनी टेस्ट के लिए कितनी हमें गैस डिजोल्व करनी है, ठीक है, अमाउंट के बारे में भी हमें पता लग सकता है। मींस हमें ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बनाने में मदद करता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अगर हमें बनाना हो तो उनके टेम्परेचर प्रेशर और कितनी अमाउंट में हमें डिजोल्व करनी चाहिए, वो हम सारी चीजें हेनरीज लॉ से पता लगा सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि हम जो अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, लंग्स है। लंग्स किसके काम आते हैं, लंग्स आते हैं सांस लेने के काम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग फंक्शन के लिए होता है। एक्चुअल में लंग्स करते क्या हैं, लंग्स करते हैं जी एयर को प्योरीफाई, क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो तो बाहर निकलती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर जुड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर लंग्स की फंक्शनिंग को समझना हो कि कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है, कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है, इस बात को हमें जानना हो तो वो भी हम आसानी से हेनरीज लॉ की मदद से पढ़ सकते हैं, या हेनरीज लॉ की मदद से समझ सकते हैं। थर्ड जो इसका बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ कि एक बीमारी थी एनोक्सिया, क्या थी, एनोक्सिया नाम की एक बीमारी थी, जो किसको होती थी, वो लोग जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते थे। कहने का मतलब क्या है, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं
उन लोगों की हाइट जो समुद्र तल के साथ रहने वाले लोग हैं, जो धरती के नीचे पहाड़ों से जो नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये हाइट ज्यादा होने की वजह से जैसे जैसे सी समुद्र से हम जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे, प्रेशर क्या होता जाता है, एयर का घटता जाता है। तो जो ये लोग पहाड़ियों पे रहने वाले लोग हैं, इनके लंग्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगी तो सीधी सी बात है उनके जो शरीर के अंदर ऊर्जा है वो कम रहेगी, ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाएगी, कुछ बीमारियां हो जाएगी। उसमें से एक फेमस बीमारी है एनोक्सिया। एनोक्सिया बीमारी का जो कारण था, ठीक है, वो भी हम किससे समझ गए थे, हेनरीज लॉ से, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी को जितने मास में हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई नहीं होती थी। इसके अलावा एक और भी बेनिफिट इसका हो जाता है कि वो लोग जो गोताखोर है, गोताखोर कौन होते हैं जी, जो समुद्र के अंदर या गहरे पानी के अंदर तैरते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। क्या लेके जाना पड़ता है साथ में, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका तैराक है वो नीचे जाके टाइम टाइम फिश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि हम जो सिलेंडर लेके जा रहे हैं उसमें ओनली ऑक्सीजन हो तो भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है वो मैं बताता हूँ कि अगर आप केवल ऑक्सीजन लेके जाते हो तो देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है जब वो कहाँ पे खड़ा होता है, इंसान सिंपल एटमॉस्फेयर में खड़ा होता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी होती है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और कई गैसें भी होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ अलग होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती है। अगर उससे कम या ज्यादा पार्शियल प्रेशर लेके हम चले गए पानी के अंदर तो पहली बात तो हमारे मरने के चांस फुल हो गए। दूसरी बात क्या होता है कि हम इस पार्शियल प्रेशर को सेट करने के लिए जो हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर हम दूसरी गैसेज डाल लेते हैं। अब वो जो गैसेज डालते हैं उनको एक बड़े सिस्टमेटिक रेशियो में डालना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि हम जब दूसरी गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलाते हैं, अगर उनकी कम या ज्यादा मात्रा में वो अपने अंदर चली जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नाइट्रोजन गैस अपनी बॉडी के अंदर रह गई और इंसान जैसे ही वो पानी से बाहर आके कहां पे एटमॉस्फेयर में सांस लेने लगेगा तो उसकी जो दूसरी गैसें, जैसे कि कोई गैसें होती है जो हम इसके साथ मिक्स करते हैं, वो अगर अपनी बॉडी के अंदर रह जाती है, उसके बबल्स अपने अंदर रह जाते हैं तो उससे आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो दिमाग होता है, वो फटने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस गैस सिलेंडर के अंदर एक प्रॉपर रेशियो में बाकी गैसों को मिक्स करके नीचे भेजते हैं ताकि उसके जो आपके लंग्स हैं उनको क्या मिलती रहे, एक प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहे, कोई भी दिक्कत उसको ना आए या बाहर आने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। इन सारी चीजों को हम किसकी मदद से, हेनरीज लॉ की मदद से देख सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने का तरीका, लंग्स की फंक्शनिंग सीख सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो लोग हैं उनको एनोक्सिया रोग क्यों हो जाता है, और जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें हमें किस मात्रा में इस चीज को मिलानी चाहिए। सेकंड, अब जो इसके जो हमने देखा कि ये अप्लाई कहां पे होता है, अगर हमसे कोई पूछ ही ले, एक दो मेरे नंबर का कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड क्लासेस में, ठीक है, क्या कि बताइए इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये जो लॉ है वो सिर्फ कहां पे अप्लाई होता है, लो, ठीक है, प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अप्लाई होता है जी। कहां पे होता है जी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपका ये अप्लाई होता है। अगर कंडीशन उल्टी है, कहने का मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर कम है तो आपका गैस कैसा बिहेव नहीं करेगी, आइडियली बिहेव नहीं करेगी, हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब गैस आपकी आइडियली बिहेव करनी चाहिए तभी आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आपकी गैस है, क्या है जी, गैस है, वो किसके साथ कंबाइन होती है, लिक्विड के साथ, अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाती है तो उस केस में भी आपका हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। अब हेनरीज लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हेनरीज लॉ पे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे बुक से लिख दिए आपके लिए, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिनीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्वड इन द 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर दे दिया हमें, वाटर की अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ वाटर 1 लीटर, एज्यूम कर रखा है कि जो नाइट्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, N2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, 0.987 bar, ठीक है, और हेनरीज कांस्टेंट KH का वैल्यू दे रखी है हमें 298 केल्विन पे 74.86 किलो बार।
ठीक है। अब देखो ऊपर प्रेशर बार में दे रखा है, नीचे किलो बार में दे रखा है, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये इतना आ जाएगा जी, बार की टर्म में आ गया क्योंकि दोनों बार हो गए अब अपने पास। ठीक है, अब हमने क्या दिया हुआ है कि हमें एक तो वाटर का दिया हुआ है, 1 लीटर वाटर है हमारे पास, और किस पार्शियल प्रेशर से एग्जर्ट, नाइट्रोजन कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इतना, और हेनरीज कॉन्स्टेंट हमें दिया हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो ये जो वाटर है ये लीटर में दे रखा है, वाटर की डेंसिटी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम 1 लेके चलते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है और जो इसका मास है दोनों क्या हो जाएंगे, नियरली सेम हो जाएंगे, 1 kg आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा, हेनरी वाला नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे पार्शियल प्रेशर वाला। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि नाइट्रोजन कितनी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर लेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी किसका आएगा, नाइट्रोजन का। निकालिए मोल फ्रैक्शन, निकालिए नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, KH बाय प्रेशर, कौन सा, पार्शियल प्रेशर। KH कितना दे रखा है यहाँ पे, हेनरीज कॉन्स्टेंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी 74.86, इसको मैं सिंपल बार में कन्वर्ट करूँगा तो 74860 हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन का कितना, 0.987, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब ये तो आया मेरे पास मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, लेकिन हमें तो ये देखना है कि नाइट्रोजन गैस डिजोल्व कितनी हुई है, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि जो यहाँ पे वाटर है, वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने हैं जी, 1 किलो वाटर है हमारे पास, हमें पता है 1 किलो का ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, और वाटर जो होता है H2 होता है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 55.5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हेनरीज ला तो इतना ही लगेगा, यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। और मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर के, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ से मैं इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, बहुत छोटी क्वांटिटी है, डिवाइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसकी मान वैल्यू पुट कर दूंगा, डिवाइडेड बाई ये मैंने निकाल दिया कितना आ जाएगा, 55.5। यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास किसके आ जाएंगे, नाइट्रोजन के आ जाएंगे, ये वैल्यू मुझे यहाँ से पता लग जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो क्वांटिटी आएगी ये मोल्स में आएगी। आपसे आंसर किस में पूछा है, मिली मोल्स में, तो इसको हम क्या करेंगे, मोल से मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स आ जाएंगे, इस न्यूमेरिकल का आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो है 0.716 मिली मोल्स, ध्यान रखना ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे, यहाँ पे ये कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इतना टाइम होता नहीं वीडियो में कि आपको एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाएं। इसी तरीके से सेकंड किट क्या है, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल बी हैव ए सोल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है, और वाटर कितने टेम्परेचर पे ले रखा है, 293 केल्विन पे, KH दे रखा है कितना, 293 केल्विन पे, 34.83 किलो बार। हमें क्या करनी है, आगे इसने लिख रखा है, अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है दोनों की डेंसिटी सेम होगी, मतलब डेंसिटी में चक्कर है नहीं पड़ेगा। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर के लिए हम क्या रिलेशन लगाएंगे, वही जो पहले लगाते हैं, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, इसलिए न्यूमेरिकल है ना, वैसे मैं कहूंगा नहीं कि ये हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपका एक तरीके से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल है, इसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे कैलकुलेट, सोल्युबिलिटी दे दी, ठीक है, तो नाइट्रोजन की अमाउंट आ गई मेरे पास कितनी, 0.05 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर दिया इसने लीटर, अब इसने दे रखा 293 केल्विन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 293 केल्विन पे
2983 केल्विन पे इसकी डेंसिटी और इसका डेंसिटी हो जाएगी सेम, एक हो जाएगी डेंसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, जो मास है और जो वॉल्यूम है दोनों सेम हो जाएंगे, तो जो वाटर है वो कितना बच जाएगा आपके पास, टोटल हो गया 1000, क्योंकि वन ये कितने दे रखे ग्राम पर लीटर में, इसमें से क्या करेंगे हम 0.05 घटा देंगे, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा लिख देंगे। अब इधर देखो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे जी, अमाउंट आ गई हमारे पास 0.5 और नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना हो जाएगा 14। यहाँ से वाटर है ये बहुत कम छोटी क्वांटिटी है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ से कितना 1000 बटे में 18। अब इधर से देखो क्या करोगे आप, मोल फ्रैक्शन निकाल लो किसका जी, नाइट्रोजन का, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.5 बटे में 14 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ से मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, एनरिच कांस्टेंट मेरे को गिवन है कितना दे रखा है 34.83, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर के रिलेशन में आप क्या करोगे ऊपर से एनरिच कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे और जो ये वैल्यू आई इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आपने ये सारी इक्वेशन को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, ऐसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल हैं, इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक्स उठाइए उनमें से देखिए, जो भी आपको न्यूमेरिकल में डाउट आ रहे हैं पूछिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में पूछा क्या गया है और कौन सी चीज़ कहाँ से डराइव होगी। जैसे कि ध्यान से देखें तो ये वाला न्यूमेरिकल था, इसमें हेनरीज कॉन्स्टेंट बिल्कुल हेनरीज लाया वो बिल्कुल लास्ट में जाके लग रहा था, स्टार्टिंग में हमें किसकी जरूरत थी, मोल फ्रैक्शन की जरूरत थी, मोल फ्रैक्शन वाली टर्म हमने इस ऊपर वाले डाटा से ड्राइव कर ली। इस तरीके से सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, इनको ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में।